नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज के दिन आप सभी को किन किन चीजों से आपको लाभ मिलने वाले हैं और किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप ऊर्जा से लबरेज हुई। आप जो भी करेंगे उसे आप आपसे आधे वक्त में ही कर देंगे। जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं, रियल इस्टेट से संबंधित निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देने वाले हैं। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ में अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने के लिए मौका ना दें। अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बाद मिलने की ख्याल आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकते हैं। और किसी भी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से बचें जिनमें से कहीं भागीदार हो और अगर जरूरत पड़े तो उन लोगों की राय लेने से ना कतराएं जो आपके करीबी हैं। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ में घर पर कोई भी मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच में प्यार में इजाफा होंगे। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौते के नाम है? अगर हाँ तो आप आज हकीकत महसूस करेंगे, जानेंगे कि यह आपके जीवन की अच्छी घटना भी थी। और आज घर में थोड़ी सी स्थिति पीपल में और आज जल दे वह शाम के समय उसकी जल जर में दीपक जलाने से नौकरी बिजनेस में तरक्की होने की भी संभावना है। किसी भी निकट संबंधी विवाह तय होने जाने जैसे शुभ समाचार मिल सकते हैं जिससे आपके प्रफुल्लता होंगी और अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में से आपको कुछ सकारात्मक बातें सीखने का भी मौका मिलने वाला है। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रयोग बनेंगे, अब प्रोग्राम बनने वाले हैं। इस समय घर का वातावरण अनुशासित और संयमित बना के रखना आवश्यकता होंगी क्योंकि बच्चों की लापरवाही की वजह से उनकी पढ़ाई और करियर में भी कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं और अपनी कोई भी योजना निष्फल भी हो सकते हैं। शांति से काम करने के लिए आपको जरूरी होंगे। दायित्व जीवन में छोटी छोटी मोटी बातों को तुल ना दें, इससे आपकी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भावुकता पूर्ण रहने वाले हैं। गलत खान पान की वजह से एलर्जी और पेट खराब होने जैसी समस्या भी हो सकती हैं। लापरवाही ना करें अन्यथा दिक्कत भी आपके बढ़ सकते हैं। और आज आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं सफेद और आज आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं 9। खुद के द्वारा तय की गई बातों पर टिके ना रहने की वजह से अपने विश्वास को बनाए रखने में आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। अपनी भावना में अधिक कार्य को महत्व देना सीखें और खुद के द्वारा और दिए गए वचन को निभाने की कोशिश करें। अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े लोगों के साथ में मेल मिलाप होंगे जो आपके लिए बड़ी संधि उपलब्ध करा सकते हैं। रिलेशनशिप से स्थिरता प्राप्त हुई है तो फिर भी रिलेशनशिप में नयापन बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। पैर में दर्द की वजह से कुछ तकलीफ भी आपके ऊपर हो सकते हैं और आज साहित्यकारों के लिए सम्मान पुरस्कार भी मिल सकते हैं। इस भी और माहिर महिलाएं सत्यकारों के लिए अधिक अनुकूलता भी रह सकते हैं। पिछला कोई भी महत्वपूर्ण प्रयास अब रंग ला सकते हैं। शनि देव के लोहे के बर्तन में काले तिल चढ़ाएं, इससे आपके सारी समस्या दूर होने वाले हैं। दूर की यात्रा भी हो सकती है या इस यात्रा की योजना बन रही है तो स्थान परिवर्तन संभव हो सकते हैं। इस परिवर्तन का स्वरूप अन्य जमानकों के लिए सबलता और दुर्बलता पर निर्भर करेंगे। किसी के करियर में मदद भी करनी पड़ सकती है। गणेश भगवान को गुड़ के 5 डलिया चढ़ाएं। एक FM चैनलों के लिए, प्रोड्यूसरों के लिए RJ में से अच्छा अवसर मिल सकते हैं। प्रोफेशनल वक्तों में उल्लेखनीय अनुभव के कार्यक्रम भी मिल सकते हैं। अति उत्साह से बचने की जरूरत होंगे और बटुक भैरव का दूध चढ़ाएं
और आज के दिन कॉन्फ्रेटेक्स और सजावटी सामान के लिए व्यापारियों के लिए भी लाभ हो सकते हैं, इसका अवसर भी बन सकते हैं। फैशन के मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ा उल्लेखनीय अवसर भी मिल सकते हैं, सुस्ती का आलम रह सकते हैं। हनुमान जी को लौंग वाला पान चढ़ाएं, परिवार का वातावरण हंसी खुशी का भी रह सकते हैं। किसी परिजन के स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या को लेकर डॉक्टर की सेवा भी लेनी पड़ सकती है। कमर या कंधों में दर्द या इनमें सिचाव का भी कष्ट पा सकते हैं। श्री विष्णु महाशरतों का पाठ करें, इससे आपकी सारी समस्या दूर होने वाले हैं। कंपाउंडरों के लिए भी किसी पुरानी समस्या से छुटकारा आपको मिल सकते हैं या उस रास्ते में निकल सकते हैं। अस्थाई का संविदा में से चल रहे लोगों के इस मामले में अनुकूलता रह सकती है। मानसिक अस्थिति में से स्थिति होने की बचाएं, जल में चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य करें और इससे आपकी सारी समस्या दूर होने वाले हैं। लंबे दूरी के ट्रक चालकों के लिए, भारी वाहन चालकों के लिए खास सावधानी रखनी होगी। गाड़ी सावधानी से चलाएं। पर्यटकों के चाहिए कि अपेक्षाकृत दूर दुर्लभ स्थान पर जाने से बचने की जरूरत होगी। शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं, उखड़े उखड़े रह सकते हैं। मंत्रियों के लिए, निजी सहायकों के लिए, निजी सचिवों के लिए झटका भी लग सकते हैं। कोई भी बड़ा नीतिगत भी निर्णय आज ना लें। आगे के लिए आपको टाल दें और गायों को हरा चारा दें। पिता के स्वास्थ्य चिंताएं भी करवा सकते हैं। दूर के रिश्ते या दूर रहने वाले रिश्तेदारों में आ सकते हैं। किसी निकट के व्यक्तियों में पारिवारिक मामलों में दखल देना भी पड़ सकते हैं। किसी की चिकित्सा दवा में आर्थिक सहायता करें, इससे आपकी सारी समस्या दूर होने वाले हैं। साहित्यकारों के लिए सम्मान पुरस्कार भी मिल सकते हैं, इसमें महिलाएं साहित्यकारों में अधिक अनुकूलता भी रह सकते हैं। पिछला कोई भी महत्वपूर्ण प्रयास अब रंग ला सकते हैं। शनि देव के लोहे के बर्तन में काले तिल चढ़ाएं, इससे आपके सारी समस्या दूर होने वाले हैं। आपके सहयोग तथा संतुलित व्यवहार में से परिवार तथा समाज दोनों जगह से उचित मान सम्मान बना रहेंगे। अगर जमीन जायदाद संबंधी कोई काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए अनुकूल समय रहने वाले हैं। किसी भी तरह से कागजी कार्रवाई में दिक्कत आ सकती है, विवेक और समझदारी से काम लें। काम निकलवाने के लिए व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करें। किसी भी काम में ज्यादा सोच विचार करने से समय ना लगाएं। कार्यस्थल में लिया गया कोई ठोस निर्णय बेहतरीन साबित होने वाले हैं। कामयाबी भी मिलने वाले हैं और आपकी कोई भी योजना लीक होने से कुछ विरोधी रुकावटें भी डाल सकते हैं। सरकारी कार्यालय में माहौल कुछ नकारात्मक रहने वाले हैं। घर के छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज रखें, इससे व्यस्तता उचित बनी रहेगी। अपने संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। ज्यादा काम के दबाव में, वजन से पैरों में दर्द की थकान भी आपके ऊपर महसूस होंगे। उचित आराम और जरूर करने की जरूरत होंगे। आप अपनी भावनाओं को सुलझाने के लिए योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होने वाले हैं। जीवन में मिल रही खुशियों का तरफ से अधिक ध्यान बना रहेंगे और आज आपके विचारों में बदलाव लाने की वजह से मानसिक शांति का भी अनुभव होने वाले हैं।